अमर बावरी भाजपा विधायक दल के नेता बनाए गए। इसे लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़ व मिठाइयां बांटकर प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है। राज्य में पहले दलित परिवार से आने वाले बेटे को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया, यह बधाई के पात्र हैं। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश राम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ राजतंत्र नहीं है, सभी को सम्मान मिलता है। पूरे दलित समाज की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। विचारधारा कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है, तो उसके दरवाजे तक विकास की किरण और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी एक दलित परिवार, एक शोषित परिवार, एक वंचित परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता जो कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वैसे अमर बाबू जी को जो बोकारो चंदन कियारी के लोकप्रिय विधायक हैं, उनको विधायक दल का नेता केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की राय पर बनाने का काम किया है। आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और साथ ही साथ विधायक दल के नेता आदरणीय अमर बाबू जी का मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व पार्टी निश्चित रूप से नई ऊँचाइयों पर पहुँचे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं कहा जाता है और ऐसे नहीं बना है। लोकतांत्रिक देश भारत है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें राजतंत्र नहीं है। कभी भी कोई भी या गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, अपने काबिलियत पर भारत के प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर हासिल हो सकता है। और हम सब झारखंड के विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग जिसकी संख्या 50 लाख है, हम लोग बेहद खुशी हैं और पूरे दलित समाज की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अश्विनी चौबे जी को और राज्य के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।